नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूँ अंकित दुष्टो। दोस्तों, कभी आपने ऐसा फील किया कि किसी तरह की डिवाइन या ईश्वरीय शक्ति आपकी सहायता कर रही है? दोस्तों, मैं आज आपको पांच ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो ये साबित करते हैं कि अगर ये पांच पॉइंट आपको मिलते हैं तो किसी तरह की ईश्वरीय कृपा या डिवाइन एनर्जी का आपके सर पे हाथ है। क्योंकि लोगों ने मुझसे जो एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनके हॉरोस्कोप में जो योग बनता है, तो ये जो पांच साइन है आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, कैसे देख सकते हैं इस तरह की डिवाइन ऊर्जा का हाथ हमारे सर पर है? दोस्तों, नंबर वन आप देखेंगे सिंक्रोनिसिटी। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे जब जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स आप दिखने लगेंगे आपको। आपको सिंक्रोनिसिटी होना शुरू हो जाएगी, कई तरह के नंबर लाइक 111। आई एम पर्सनली एक्सपीरियंस लाइक मुझे बहुत ज़्यादा लाइक 3-4 ईयर से तो 3-3 दिख रहा है। उससे भी पहले से अगर मैं 10 ईयर पहले की बात करूँ तो मुझे लगातार 1 दिखता रहता था, और मैंने ध्यान दिया कि ये मुझे क्यों दिख रहा है, बट उस समय मुझे नहीं पता था। उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये पता तो चल गया कि अगर ये डाइट डेट से रिलेटेड कोई काम मेरा है तो वो काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको भी कोई नंबर दिख रहा है लाइक 99, जो ट्रिपल नंबर होते हैं 999 222। आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपका वहीं पे टाइम देखा तो वही बजा हुआ था, एकदम एग्जैक्टली टाइम वही हुआ था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नंबरों की सिंक्रोनिसिटी शुरू हो जाती है। ये यूनिवर्स के द्वारा मैसेज है कि पर्टिकुलर, जैसे हर नंबर की मीनिंग होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उस तरह आप भी जान जाएंगे कि ये नंबर हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हमको ग्रोथ में, हमारे सपने पूरे करने के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लाइक अगर 2299 आपको दिख रहा है तो अपने इनर सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, आपको इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आप इसको कंसीडर करने लगेंगे एज यूनिवर्स में एज अ लॉ। मतलब अचानक से आपको ऐसी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, जिसको आपको लगता था थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन आपकी वो चीज़ें पूरी होने, समझ जाइए, दूसरा ऐसा इंडिकेशन है जो इस तरह की डिवाइन पावर आपका साथ दे रही है। तीसरा ऐसा इंडिकेशन दोस्तों कौन सा है, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, वो है आपको, मैंने देखा जितने भी लोगों को सिंक्रोनिसिटी होते के साथ साथ एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में किसी तरह की, अब क्योंकि ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर लोगों में होते। तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि किसी तरह की भीनी सी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है, तब तो वो सुनाई देगा, वरना मतलब इनर सेंसिटिविटी भी जिनकी कम है उनको भी नहीं देगा। आप देखेंगे कोई आपको सुबह टच करके उठा रहा है, कुछ ऐसे सपने आना जिसके बाद अचानक से आप उठ जाना, या आप 3 या 4 के बीच उठते हैं, उस टाइम आपको कोई भीनी सी आवाज़ सुनाई देती है। आपके जानने वाले जो लोग हैं वो आपको बुलाते हैं। आप देखेंगे कि वो ऐसी आवाज़ होगी, आई पर्सनली फील वो ऐसी आवाज़ होगी कि वो आपको रफ या हार्श नहीं लगेगी, आपको मीठी सी हल्की दूर से सुनाई देगी। आप उठेंगे, देखेंगे, ढूंढने लगेंगे कौन मुझे बुलाया, और अचानक से आप देखेंगे वहाँ पे कोई नहीं है, और आप उसके बाद अपना काम शुरू करें। कुछ लोग उसके बाद सो जाते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि ये जो डिवाइन ताकत है हमको बता रही है कि यू आर द वे, आप रास्ते में हैं, आप अपनी अवेकनिंग के रास्ते में हैं, तो इस पे काम करिए, आगे बढ़िए और अपनी अवेकनिंग करिए, जिसमें आप अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने लाइफ में लव को, अपने लाइफ में ग्रोथ को बुला सकें। तो ये ऐसा तीसरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। तो चौथा, मैं आपको दोस्तों एक फ्रीक्वेंसी बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑरा को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनने में। पहले बात करते हैं आपका चौथा ऐसा पॉइंट कौन सा है जो बताता है कि किसी तरह की डिवाइन जो एनर्जीज है उनका आप पे हाथ है। दोस्तों, जैसे मैंने सिंक्रोनिसिटी की बात की थी, उसके साथ आपको जो छोटे छोटे सपने आप देखते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि मतलब मुझे, मैंने सोचा एक दिन कि मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो समवन, मुझे एक व्यक्ति मिला और वहाँ पे वो व्यक्ति मुझे ले गया उस पर्टिकुलर जगह पे। वैसे मैंने जगह कहीं देखी नहीं थी, बट वैसी जगह, ऐसे छोटे छोटे सपने, मतलब बहुत मामूली से सपने जो होते हैं, आप उसमें देखना शुरू करेंगे वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। इस ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपको वो एनर्जी सपोर्ट कर रही है, आपका साथ दे रही है। आप एक बड़ा सपना देखिए,
आप ऐसा विश करिए कि वो चीज पूरी हो, उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लीजिए आप, क्योंकि फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, जब आपकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ी हुई रहती हैं और इस तरह की डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प करती हैं तो आपका तुरंत हेल्प होती है और इस तरह के छोटे छोटे सपने सबसे पहले पूरा शुरू होना हो जाते हैं। तो ये चौथा ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिससे आप जान सकते हैं किस तरह की ईश्वरीय कृपा आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है। पांचवा ऐसा साइन कौन सा है दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल इंडिकेशन, वो है आपका ग्रेट इंट्यूशन एबिलिटी डेवलपमेंट। ये क्या करता है दोस्तों, आपके अंदर जबरदस्त इंट्यूशन डेवलप होगा। इंट्यूशन इज अ गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स जो हर एक मनुष्य को मिला है। जब हम किसी तरह के सात्विक भोजन या सात्विक हमारे जीवन होने लगता है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सत्व गुण जो बढ़ेगा उससे आपके अंदर इंट्यूशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। आप देखेंगे ये इंट्यूशन एबिलिटी, आप कुछ लोग इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे कि उनके लाइफ में कुछ होने से पहले पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट इसको एक्नॉलेज करिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर किसी तरह का इंट्यूशन आपको आ रहा है कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहिए तो वहाँ जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी डेस्टिनी, जैसे मैंने बताया था आपको हॉरोस्कोप में एक डेस्टिनी पॉइंट होता है, वो एक बस एक दिन होता है, एक इवेंट होता है जिसके बाद आपका भाग्य एक्सेलरेशन होना शुरू होता है। तो वो अगर नहीं पूरा हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट सी रह जाएगी। तो इस अपने इंट्यूशन पर ज़रूर हमेशा ध्यान दीजिए, यह आपको ज़बरदस्त इंट्यूशन से आप जस्ट नोटिस करेंगे पर्सनली फील कि आपको कोई इंट्यूशन आया कि वह 1-2 डेज में वो इंट्यूशन पूरा हो गया। और ये इस तरह की चीज़ें आपको हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि किसी तरह की डिवाइन पावर आपके साथ है, आपके ऑरा में है, वो आपकी लगातार हेल्प कर रही है। आपको ज़रूरत है कि अपने आप पे फोकस करने की, और ये सारे साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप किसी अच्छे रास्ते पे हैं, आप सेल्फ डेवलपमेंट की रास्ते पे हैं, आप इनर चाइल्ड को ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो स्पिरिचुअल रास्ते पे अगर आप लव लाइफ हो गया, आपके सोलमेट से मिलना हो गया, उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको बताने वाला था एक फ्रिक्वेंसी जो आपकी ऑरा को बढ़ा सकती है, वो है आपकी 432 हर्ट्ज़। 432 की हर्ट्स की जब हम फ्रिक्वेंसी सुनते हैं तो किसी भी तरह का म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, थोड़ा हल्का साउंड होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे मौजूद है, उसको हेडफोन से लगा के सुनिए। अगर आपकी मॉर्निंग के टाइम करेंगे ज़बरदस्त ऑरा आएगा, आपके पास जितनी निगेटिविटी होती है आपकी दूर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि निगेटिविटी को कैसे दूर करें, ऑरा कैसे स्ट्रांग करें, तो ये बहुत पावरफुल मेथड है। मैंने कई लोगों को बताया और बहुत ये अच्छा रिस्पॉन्स आया इसको लेकर। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपना ऑरा स्ट्रांग करने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव सेंस से, तो आप इस फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक सुन सकते हैं। इस फ्रिक्वेंसी का कोई भी हीलिंग प्रोसेस अगर चल रहा है तो वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्विक एंड शॉर्ट वीडियो अपने दोस्त तथा साथियों तक भी शेयर करिए। और अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आपको पता है एक लाल बटन है नीचे, उसको दबाना है। आगे किसी और वीडियो पर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।